Hey guys, I welcome you all to day 14 of anthropology lecture series. So this is the continuation of Homo erectus that we had started yesterday. So we'll complete Homo erectus today and tomorrow we'll do Homo neander and after that Homo sapiens aur thode din mein matlab 2-3 lectures more aur ye topic hamara khatam ho jayega and iske baad we are going to start with 1.8 जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. सो इसमें और उसमें इंफॉर्मेशन इज़ ऑलमोस्ट द सेम. यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द टॉपिक्स एंड यूज़ इट. सो लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश आर होमो इरेक्टस. सो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड दैट होमो इरेक्टस बेसिकली कौन थे एंड उनके बेसिक फीचर्स क्या थे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, कल्चर कैसा था, हंटिंग करते थे, फायर करते थे, बहुत इवॉल्व थे, इंटेलिजेंट थे, वो सब हम कर चुके थे. एंड वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ इट अगेन हियर. जस्ट इमेजिन आई एम गिविंग दिस रेफरेंस टू यू बिकॉज दिस यू नीड टू सी अगेन सो दैट it gets like okay so it doesn't look that accurate guys please I know it doesn't look that accurate okay just imagine now so homo actually evolved somewhere in Africa. We had talked about this yesterday also. And over the course of time, they shifted to different areas. We had talked about the two branches of Homo erectus. One that went to the east. And one branch that went towards the north side. Fine. And let me just complete the map only so that there is like no issue like that. Okay, yeah. So basically one group had gone on to this side and one to that side. So the group which went to the east, no, unko humne bol diya Homo ergaster over the course of evolution because obviously यू नो दे चेंज, उनका थोड़ा सा चेंज हो गया जो भी, मतलब टाइम के साथ ऑब्वियसली वेरिएशंस आ जाते हैं. एंड जो ईस्ट में चले गए थे देवर कॉल्ड होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस और हीडलबर्जेनेसिस. ओके सो वन ग्रुप वॉज दिस, वन ग्रुप वॉज अर्गेस्टर. फर्दर इन जावा हमने कल बात किया था कि रिमेन्स मिले थे इनके, होमो इरेक्टस के रिमेन्स हमको जावा में मिले थे. तो उसमें से जो जावा वाले थे उनको हमने बोला था जावानिकस, जो हम आज पढ़ेंगे जावानिकस. एंड जो यहाँ पे कहीं चाइना में थे उनको पेकिनिकस, पेकेंसिस ऐसे, पेकेनेसिस. ओके एंड तो ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया. हीडलबर्जेनेसिस इसलिए क्योंकि हीडलबर्ग में मिले थे, हीडलबर्ग जर्मनी का पार्ट है, वहाँ से सबसे पहले फॉसिल्स मिले थे. इसलिए जावा मैन या जावानिकस इसलिए क्योंकि सैंगरिन जावा से सबसे पहले मिले थे. पेकेनिकस चाइना वालों को बोलते हैं. एंड जो अफ्रीका में थे उनको होमो इरेक्टस बोलते थे. जो होमो एर्गेस्टर एशिया वाली साइड चले गए तो हो गए, और होमो इरेक्टस हेडलबर्जेनेसिस हो गए जो ऊपर वाली साइड चले गए. ठीक है सो नाउ दिस पार्ट वी हैड डन. पैरेंथ्रोपस वी हैड डन कल के लेक्चर में, इन इन द पार्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस वाले पार्ट में हम पैरेंथ्रोपस को कवर कर चुके हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये डिबेट्स अबाउट कौन से क्लासिफिकेशन या कौन से टैक्सोनॉमी में किसको डालना है ये टाइम एंड अगेन होती रही है. तो हमारे सिलेबस में होमो इरेक्टस में मेंशनड है पैरेंथ्रोपस, बट हमने उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस में पहले ही पढ़ लिया है. राइट सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद एशियन होमो इरेक्टस, जिसके ऑब्वियसली दो वैराइटीज हमने देखे थे, दैट इज जावा मैन एंड चाइना मैन. सो नाउ कुछ ज़्यादा देखो,
बेसिक बेसिक फीचर्स वही रहेंगे जो हमने कल पढ़े थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले पिक्चर्स दिखा देती हूँ आपको. दिस इज़ द जावा मैन, राइट, दिस इज़ द जावा मैन, दिस इज़ द चाइना मैन. सो नाउ यू कैन सी इवन दो दे आर द सेम स्पीशी ऑफ होमो इरेक्टस, बट इवन देन, क्योंकि अब जैसे हम होमो सेपियंस हैं, लेकिन यूरोपियंस इंडियन से काफ़ी डिफरेंट है, इंडियंस चाइनीज से काफ़ी डिफरेंट है, चाइनीज रशियन से काफ़ी डिफरेंस है, ऑब्वियसली बिकॉज यू नो द इन्वायरमेंट, द लोकेशन वे यू लिव हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले. इन्वायरमेंट, कल्चर, सोसाइटी हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले, एंड एनाटॉमिकली भी उससे बहुत चेंजेस आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो ये जावा मैन है एंड ये चाइना मैन है, राइट. स्कल का भी डिफरेंस दिखा देती हूँ. ये जावा मैन का स्कल है, दिस इज जावा मैन स्कल एंड दिस इज चाइना मैन का स्कल. इवन दो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस हम देख सकते हैं. लाइक इनका एक क्रेनियल पार्ट जावा मैन से काफ़ी बड़ा है, ठीक है. इनका नाउ इनका फेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्नेथस लग रहा है, राइट. सो थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं. यस, सो नाउ फर्स्ट इनको होमो इरेक्टस जावनिकस बोलते हैं और इनको सिनैंथ्रोपस पेकेंसिस बोलते हैं, राइट. वन थिंग, हाइट इनकी लंबी थी. जावा मैन हाइट में चाइना मैन से लंबा था, ठीक है, और वेट में भी ज़्यादा था. यानी कि इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई कि जावा मैन ज़्यादा रोबस्टली बिल्ट था एज़ कम्पेयर टू द चाइना मैन, ठीक है. बट इनका स्कल छोटा था एज़ कम्पेयर टू चाइना मैन. सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इवन दो रोबस्टली बिल्ट था, लेकिन स्कल छोटा था. क्रेनियल कैपेसिटी 800 cc एंड क्रेनियल कैपेसिटी 1075 cc, विच इज़ कंपेरेटिवली क्वाइट बिगर देन द जावा मैन, राइट. सो ये कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है जो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, बाकी और कुछ याद हो या ना हो, ठीक है. सो अब हमने देख लिया नॉट सो थिक क्रेनियल बोन, एंड इनकी क्रेनियल बोन्स काफ़ी थिक एंड मैसिव थी, तो ये एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया. देन इनके स्मॉलर कैनाइन्स थे एंड इनके लार्जर कैनाइन्स थे, ठीक है. ये ब्रॉड एंड राउंड ऑसिपिटल मैंने इसलिए मिस किया बिकॉज दूसरी साइड पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं था. सो इनका ब्रॉड एंड राउंड ऑसिपिटल था, ठीक है. देन अगर हम मोलर्स पे आ जाएं तो इनके मोलर्स बड़े थे एंड प्री मोलर्स भी बड़े थे एज कम्पेयर टू चाइना मैन. सो हम एक चीज़ समझ गए कि नाइन्स जो हैं वो जावा मैन के छोटे हैं और मोलर्स और प्री मोलर्स बड़े हैं. तो अब ये ऑब्वियसली लार्जर या स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दी अदर वन ही लिखा है मैंने, जैसे कि जावा मैन का इन कंपैरिजन टू चाइना मैन, ठीक है. तो इनके केनाइन्स चाइना मैन से छोटे थे बट मोलर्स प्री मोलर्स बड़े थे, ठीक है. देन इसमें डायस्टेमा था. डायस्टेमा मतलब गैप बिटवीन द टीथ, ठीक है. इनका डायस्टेमा था और इनका नो डायस्टेमा, इनमें डायस्टेमा नहीं था. और इनके फीमर बोन में लीनिया एस्पेरा मिला है जबकि चाइना मैन में ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला, ठीक है. एंड इनका नैरो ऑसिपिटल रीजन था, वेयर एज होमो इरेक्ट जावा मैन का ब्रॉड ऑसिपिटल रीजन था. ऑसिपिटल मतलब ब्रेन का एक पार्ट, ठीक है. सो अगर ब्रॉडली मुझे इनको समराइज करना होगा तो आई वुड से कि हाइट वेट में जावा मैन बड़ा था, ठीक है, बट उसका क्रेनियल कैपेसिटी 800 जो काफ़ी कम थी चाइना मैन से, ठीक है. ऑसिपिटल रीजन ब्रॉड था, ठीक है. केनाइन्स छोटे थे पर मोलर्स प्री मोलर्स चाइना मैन से बड़े थे. लीनिया एस्पेरा की प्रेजेंस हमने एविडेंस में देखी हुई है, ठीक है, और ये आपको मोस्टली सैंगरिन जावा में मिले थे, ठीक है. दूसरे के कंपैरिजन में आप यही बोलोगे, उसको सिनैंथ्रोपस पेकेंसिस भी बोलते हैं. हाइट वेट में जावा मैन से छोटा था, स्कल बड़ा था अराउंड 1075 cc, विच वॉज कंपेरेटिवली मच बिगर देन इट्स जावन काउंटर पार्ट, राइट. देन केनाइन्स वर लार्जर देन जावा मैन बट मोलर्स एंड प्री मोलर्स वर स्मॉलर. देर वॉज नो डायस्टेमा एज अपोज टू जावा मैन एंड नैरो ऑसिपिटल रीजन. सो ये कुछ ब्रॉड चेंजेस हैं, कुछ आप इसको याद करने की कोशिश करना इन योर माइंड, ठीक है. सो नाउ
वन मोर इज़ देयर, दैट इज़ होमो हेडलबर्जेंसिस, मैंने आपको दिखाया था ना अभी, हमने इसमें पढ़ लिया ये वाला, जावानिकस पढ़ लिया और पेकेंसिस पढ़ लिया, ठीक है। अब हम हेडलबर्ग पे जा रहे हैं जो जर्मनी से मिला था, राइट। सो नाउ हमने पूरी बात करी थी कल कि होमो इरेक्टस जो है वो पेलियोलिथिक का पार्ट है, यानी कि जब स्टोन एज शुरू हुई थी वहाँ से, ठीक है। लेकिन जो होमो हेडलबर्जेनेसिस है थोड़ी बाद में आया था, दैट इज़ मिडिल पेलियोलिथिक टाइम पे, ठीक है। अब स्टोन एज को भी हम डिवाइड करते हैं ना, अपर लोअर मिडिल स्टोन एज, राइट। सो दैट वे ये मिडिल पेलियोलिथिक का पार्ट है, इसको इंटरमिटेंट माना गया बिटवीन इरेक्टस एंड सेपियंस, ओके। तो इसीलिए इसको आर्केइक होमो सेपियन भी बोला, बिकॉज ये एग्जैक्टली इरेक्टस भी नहीं था, ये एग्जैक्टली सेपियन भी नहीं था, ये कुछ बीच में था, ठीक है। 1907 में हमको एक मैंडिबल मिला, मैंडिबल मतलब जॉ का पार्ट, ठीक है। डिस्कवर किया फ्रॉम मायर हिडलबर्ग, दैट इज इन वेस्ट जर्मनी, ठीक है। एंड इसको इसकी डेट जो एस्क्राइब की गई, दैट वॉज अराउंड 4,50,000 ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंजर, ठीक है। अभी मैंडिबल का पार्ट मिला, इस पार्ट को स्टडी करके ऑब्वियसली उन्होंने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, तो उसको बोला कुछ 4,50,000 ईयर्स अगो का ये मैंडिबल हो सकता है। तो फिजिकल फीचर क्या थे, अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये थोड़े से डिफरेंट है। रोबस्ट मैंडिबल था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन के कंपैरिजन में जो मैंडिबल था या जो जॉ था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि जिस एंगल पे दोनों पार्ट्स अपर जॉ और लोअर जॉ के भी जुड़ रहे थे, दैट वाज क्वाइट थिक एंड काफ़ी एप लाइक थे, ठीक है। रोबस्ट था, दैट मीन्स वेस्ट रोबस्ट मैंडिबल, मतलब कि आपका जो आपको थिक पार्ट चाहिए, बिकॉज आप हैवी च्यूइंग करते थे, एप्स करते थे ना हैवी च्यूइंग, तो उनको चाहिए होता था, तो इनका कुछ सिमिलर था वैसा, ठीक है। दैट मीन्स जो जॉ था दैट वॉज नॉट लाइक द मॉडर्न मैन, डेंटिशन पैराबॉलिक थी। अब ऑब्वियसली गाइज एक चीज़ आप सोचो, हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस पढ़ा, होमो इरेक्टस पढ़ा, अब हम होमो हेडलबर्जेंसिस पढ़ रहे हैं, जो चेंजेस तो यहीं पे ह्यूमन लाइक आ गई, अब इधर आकर वापस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी एप लाइक, तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन वाले हो गए आप हर जगह डाल सकते हो, बिकॉज वो तो यहीं पे हो गए, ठीक है ना। तो उसमें क्या डिफरेंट होगा, अब पैराबोलिक जॉ तो इनका भी हो गया था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। टीथ बट ज़्यादा थे, पैराबोलिक जॉ था, ह्यूमन लाइक जॉ था, लेकिन दांत ज़्यादा थे, क्रेनियल कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, कैन यू कैन सी, राइट। देन मैसिव सुपर ऑर्बिटल रिज, ठीक है, एंड सेपरेट ब्राउ रिज। ब्राउ रिज जो हम जो पिछले लोगों की बार लाइक थी, जो कि काफ़ी एक प्रिमिटिव फीचर था, हमने देखा था होमो इरेक्टस की बार लाइक ब्राउ रिज थी, जो कि काफ़ी एक प्रिमिटिव फीचर था, लेकिन इनकी सेपरेट थी, यानी कि जो ब्राउ रिज थी इनकी सेपरेट थी, तो ये कुछ अजीब सा ही फीचर था जो किसी और ना प्रेडिसेसर में था ना किसी और में, ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने बोला कि इसको एक डिफरेंट स्पीशी बोल देना चाहिए ऑल टुगेदर, बिकॉज ये कुछ बड़ा यूनिक कैरेक्टर था इनके अंदर। देन लार्ज एंड प्रोग्नेथस फेस, अभी तक हमने देखा है, अभी तक हमारा फेस जो है उसकी फेशियल कैरेक्टर जो है अभी स्ट्रेटन अप नहीं हुए, जैसे ह्यूमंस का फेस होता है ना ऐसे करके, अभी तक ऐसा फेस नहीं आया, अभी तक फेस कुछ ऐसा ही है, फेस अभी तक कुछ ऐसा ही है, राइट। तो प्रोग्नेथस ही है, तो ऑब्वियसली वो पीछे से अभी तक वैसा ही चल रहा है, अभी चेंज नहीं आया। और जॉ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जॉ इज मोर सीमियन, बट टूथ वर लाइक ह्यूमन्स, ठीक है। सो जो जो टीथ है ना, जो टीथ हैं वो ह्यूमन जैसे हैं, जॉ एप जैसी है, ठीक है। तो यू कैन सी देर आर मैनी लाइक मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस ऑल्सो। एंड इफ लाओ एग्जाम्पल लगाओ कि पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली अबाउट होमो हेडलबर्जेंसिस, सो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दैट इज दिस, देन यू विल राइट अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर दीज, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर टोल्ड, नॉट टोल्ड बट यू हैव टू राइट, इट्स अ शॉर्ट आंसर और लाइक 15 मार्कर ऑन हेडलबर्जेनेसिस ओनली, देन यू हैव टू राइट इट्स कल्चर ऑल्सो, एंड द कल्चर इज द सेम,
ओके लाइक जो हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसी को डिवाइड कर लो, जैसे पहला पार्ट हंटिंग, कि वो हंटिंग करते थे, ठीक है, परसिस्टेंट थे, इरेक्ट थे, हंटिंग कर सकते थे, परसिस्टेंट हंटिंग कर सकते थे। दूसरा, फायर को कंट्रोल यूज़ करते थे, ठीक है, फ्राइटन एनिमल्स करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, लाइट लेने के लिए, ठीक है, रिचुअलिस्टिक पर्पजेस के लिए। उससे थर्ड पॉइंट भी बन जाएगा आपका रिलीजन एंड रिचुअलिज्म, देखा गया, बिकॉज हमने देखा कि बोन्स को अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता था एट द टाइम ऑफ डेथ, उनके साथ कुछ ना कुछ वो लोग सेव करते थे, देन कैनिबलिज्म करते थे ओकेजनली, रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए भी हो सकता था, फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हो सकता था, ठीक है। देन टूल्स, एक्यूलियन टूल्स, सॉरी इज द फिफ्थ पॉइंट, टूल्स कैसे यूज़ करते थे, एक्यूलियन टूल्स यूज़ करते थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, देन आपके स्क्रेपर्स, ये सब यूज़ करते थे, प्रिमिटिव पेबल, वुड, स्टोन, बोन, सब कुछ यूज़ करते थे। देन आप इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे इन द सिक्स्थ पॉइंट की कहाँ मिले थे, जैसे हेडलबर्ग जर्मनी में मिला है आपको, देन ऑब्वियसली अगर जर्मनी में मिला है तो उसके आगे पीछे के रीजन में भी तो मिलेगा ना, तो आप यूरोप मेंशन कर सकते हो, राइट। सो यही कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको हर में लिखने हैं, कल्चर, टूल, मटीरियल ऑफ टूल, देन फायर, देन रिलीजन, देन ये सब आप ऐसे बनाकर, एंड यही पॉइंट्स पैकिंग मैन में भी आएंगे, यही पॉइंट्स आपके जावा मैन में भी आएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे वर ऑल होमो इरेक्टस, दे वर ऑल होमो इरेक्टस एंड दे वर डेवलपिंग इन अ सिमिलर वे ओनली, राइट, एवरीवेयर दे वर बिगेनिंग टू फाइंड न्यू वेज टू फ्राइटन द एनिमल्स, टू सर्वाइव, टू ईट, टू लेसन द कॉम्पिटिशन, दे वर बेटरिंग देमसेल्व्स एवरी टाइम। सो सेम पॉइंट्स विल कम बिकॉज होमो इरेक्टस के ही जनरल पॉइंट्स आपने हर जगह लिखने हैं, राइट। सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट होमो इरेक्टस। लास्ट थिंग इज द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब द प्लेस इन द टेक्सोनॉमी। अब होमो हेडलबर्जेनेसिस को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंटरमिटेंट बिटवीन होमो इरेक्टस एंड होमोसेपियन। सो इट वॉज ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज कॉन्टेस्टेड कि इनको किस कैटेगरी में डालना है, वेदर टू कीप इट होमो इरेक्टस ओनली और इट टू गिव इट अ स्पेशल कैटेगरी, तो क्या करना है। सो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि सिमिलर वे यू ड्रॉ नॉट ड्रॉ बट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर कि जो पार्ट होमो इरेक्टस का यूरोप चला गया ना, वो होमो हेडलबर्जेनेसिस में चेंज हो गया। सो समटाइम्स इट इज़ केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ होमो इरेक्टस ओनली एंड समटाइम्स इट इज़ गिवन अ इंटरमिटेंट स्पीशी बिटवीन होमोसेपियन एंड होमो इरेक्टस। सो इफ़ यू हैव टू ड्रॉ द फाइलोजेनी, वॉट विल यू ड्रॉ? यू विल ड्रॉ ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की एक होमो हेडलबर्जेनेसिस ऐसे कर सकते हो, एंड देन आपका होमो सेपियंस, राइट, जो इसके बीच में और भी दो तीन कैटेगरीज आएंगी, लाइक सॉरी चलो मैं कर ही देती हूँ उसको, राइट, होमो नियंडरथल्स एंड देन होमो सेपियन, राइट, वन कैन बी दिस फाइलोजेनी और अदर कैन बी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो हेडलबर्जेंसिस, होमो नियंडर एंड होमो सेपियंस। सो इट इज़ अ कन्फ्यूजन, यू कैन ड्रॉ इट ईदर वेज, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट द वे यू लाइक, राइट, बिकॉज ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोजिशन इज नॉट गिवन। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट होमो इरेक्टस, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद होमो नियंडरथल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी नाइस, सो प्लीज़